सारे अवाम ममता बनर्जी के साथ है और इंशाअल्लाह ताला जो कम्युनल फोर्स है, फिरका परस्ती फोर्स है, वो बंगाल में आगे भी अपना पाउट जमा नहीं पाया था और इस इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान में उसका पैर के नीचे जमीन नहीं है। माला राय की क्या गारंटी है? सभी अपने माला राय के गारंटी हमारे अवाम है, जो अवाम कह रही है जो ममता बनर्जी को वोट देंगे, क्योंकि हमें कम्युनल फोर्स और डिक्टेटरशिप से दूर रखना है। दादा मोदी जी पलटू राम हो गए, पहले हम घुसपैठिया बोले, आप बोल रहे हिंदू मुसलमान से कुछ लेना नहीं है। बहुत खराब चीज बोले थे राजस्थान में। कहा गया था अगर इंडिया को वोट दीजिएगा तो हिंदू के जो प्रॉपर्टी है लेके मुसलमान में बांट दिया जाएगा। कहा था जो हमारी जो हिंदू बहन है उसके मंगलसूत्र लेके जिन लोगों का बच्चा ज्यादा है उन लोगों में बांट दिया जाएगा। अच्छा दादा, मैं इस बारे में कहता हूं, मैं फिराद हकीम हूं, हर हिंदू बहन के सिंदूर, सांखा, मंगलसूत्र ये हमारे लिए शान है, उनका रक्षा हम करेंगे, अपना जान भी चले जाए, मोदी को किसी के मंगलसूत्र को नहीं काटने नहीं छीनने देंगे। जहां सीए के नाम में वोट मांगा जा रहा है दादा, सीए क्या है? लेवनचूस है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम आए हैं तब हिंदुस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था, हम बहुत दिन पहले आए हैं यहाँ पर, हम खड़े होके हमारे वोटर कार्ड है, हमारे आधार कार्ड है, हम 100 साल से वोट दे रहे हैं, 50 साल से वोट दे रहे हैं। अगर आज हम नागरिक बन गए तो आगे का वोट क्या है? हमारा सब कैंसिल हो जाएगा। तो आगे जो हमारे बीच से, जो मथुआ भाई के बीच से जो एमएलए हुआ, एमपी हुआ, वो खत्म हो जाए, क्योंकि अगर इंडियन नहीं हुआ तो उसको सब एमएलए एमपी नहीं, उनका दिया हुआ जो वोट है पार्लियामेंट में या असेंबली में, वो बिल सब कैंसिल हो जाएगा। ये कोई मतलब हुआ? हर बार आएगा, कई बार कभी एनआरसी, कभी बार मथुआ, ये है कम्युनल डिवीजन ऑफ ममता, ये ऑफ मोदी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या बोलेंगे? ये कभी नहीं हो सकता है। होम मिनिस्टर कहते हैं कि रामनवमी मनाने दिया जाएगा, हमारी सरकार आएगी। रामनवमी आज कौन रोकता है? बढ़ चढ़ के मनाना या मनाते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा मनाते हैं, छुट्टी दिया गया है, ये सब कम्युनल डिवीजन। जैसा हम मुसलमान के हैं और हिंदू भाई खतरे में है, नहीं, वो भी यकीन जिंदा। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी बड़े बहन के नाम है, छोटे भाई के नाम फिराद हकीम है, ये बंगाल है।